हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भूतों की दो सच्ची कहानियों के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल सच है। लेकिन यह बताने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है रेहम हाल की, ब्राउन लेडी की। नॉरफॉक इंग्लैंड के रेहम हाल में 1936 में कैमरे में कैद हुए इस साय को ब्राउन लेडी कहा जाता था। इसमें भूरे रंग के बूटेदार कपड़े पहनी हुई महिला को देखा गया था। इसका नाम लेडी डोरोथी था, जो चार्ल्स टाउनसेट नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। महिला को विश्वासघात करने पर सजा के रूप में घर में बंद कर दिया गया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों के साथ जॉर्ज पंचम ने भी कहा था कि उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा है, लेकिन एक दिन उसकी तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। बाद में यह तस्वीर लाइफ मैगजीन में भी प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी है बैचलर ग्रोव कब्रिस्तान के भूत की। शिकागो का यह कब्रिस्तान अपने कुछ अजीबोगरीब हालात के कारण बंद कर दिया गया है। 1999 में गोस्त रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों ने इस कब्रिस्तान की जांच के दौरान अपने हाई स्पीड इंफ्रारेड कैमरे से कई तस्वीरें ली थी। जब यह फिल्म डेवलप होकर आई तो कई लोगों के होश उड़ गए। इस तस्वीर में एक अदृश्य महिला बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए दिखाई दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।